खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। एनडीए के प्रत्याशी ओम बिरला आज फिर से लोकसभा के अध्यक्ष चुन लिए गए। आज इस पर लोकसभा में ध्वनिमत से ओम बिरला लगातार दूसरी बार निर्वाचित हुए हैं। पीएम मोदी ने ओम बिरला को फिर से निर्वाचित होने पर बधाई दी तो 17वीं लोकसभा में उनके नेतृत्व में हासिल उपलब्धियों को भी सदन में गिनाया। सभी पार्टियों के नेताओं ने भी नए स्पीकर को बधाई दी। एक दशक के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद पर राहुल गांधी का चयन हुआ है। बीती दो लोकसभा में कांग्रेस सहित किसी भी विपक्षी दल के पास जरूरी सांसद ही नहीं थे। 18वीं लोकसभा के सांसदों की शपथ ग्रहण की प्रक्रिया पूरे होने के बाद बुधवार को लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव संपन्न हो गया। एनडीए उम्मीदवार के रूप में बीजेपी सांसद ओम बिरला और आईएनडीआईए गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस सांसद के सुरेश आमने सामने रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओम बिरला का नाम लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए प्रस्ताव किया। प्रधानमंत्री के प्रस्ताव का समर्थन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। एनडीए के तमाम नेताओं ने भी ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने का प्रस्ताव रखा, जबकि विपक्ष के सांसदों की तरफ से के सुरेश की उम्मीदवारी का प्रस्ताव रखा गया। श्री ओम बिरला ए मेंबर ऑफ दिस हाउस बी चूजन एज द स्पीकर ऑफ दिस हाउस दोज इन फेवर में से आए। इसके बाद ध्वनिमत से एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। विपक्षी दलों ने मत विभाजन की कोई मांग नहीं की। द मोशन इज अडॉप्टेड। श्री ओम बिरला इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ दिस हाउस। लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने के बाद ओम बिरला ने पूरे सदन का धन्यवाद किया और कहा कि वे निष्पक्ष भाव से सदन को चलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते रहेंगे। ओम बिरला लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। मुझे पुनः इस महान सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने ओम बिरला को बधाई देते हुए 17वीं लोकसभा में उनके अध्यक्ष रहने के दौरान उल्लेखनीय कामकाज का जिक्र भी किया। 17वीं लोकसभा में मैं कहता हूं कि संसदीय इतिहास का वो स्वर्णिम कालखंड रहा है। आपकी अध्यक्षता में संसद में जो ऐतिहासिक निर्णय हुए, आपकी अध्यक्षता में सदन के माध्यम से जो सुधार हुए हैं, ये अपने आप में एक सदन की भी और आपकी भी विरासत है। एनडीए के तमाम घटक दलों के नेताओं ने भी लोकसभा अध्यक्ष को बधाई दी। सर, हम लोगों को बहुत खुशी है आपको पुनः इस चेयर पर देखकर। 18वीं लोकसभा में जिस तरीके से पुनः आपको ये जिम्मेदारी मिली है, हम सबका सर 17वीं लोकसभा का एक अपना अनुभव है। ऐसे सांसद जो पहली बार चुनकर आए, सर उनको आपने प्रोत्साहित करने का काम किया। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने के लिए मैं आपको हृदय से बधाई देता हूँ। विपक्ष के नेताओं ने भी ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की बधाई दी। इन नेताओं ने उम्मीद जताई कि सदन में सभी दलों के नेताओं को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। I'd like to congratulate you on behalf of the entire opposition, on behalf of the India Alliance. लोकसभा के नव निर्वाचित अध्यक्ष जी को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। 18वीं लोकसभा में नव निर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण पूरा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव भी हो गया है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष का पद भी मिल गया है। गुरुवार को दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संबोधित करेंगी। निशांत राय और शैलेंद्र मिश्र के साथ ऋषि कुमार, DD News, दिल्ली।